1953 तो बाद जो है गुरद्वारा साहब संस्थापित किया गया हड़ का फाला सीगा वो किसी चीज़ के जा बार बार जाके अटक रहा साहब नूं कहिंदे आ कि गुरु हरगोबिंद साहब की जी चरण छोह प्राप्त जी मंजी हैगी आ वो अज भी इस गुरद्वारा साहब के हाँ जी भाई जी सत श्रीकाल जी सारयां नूं होर सारे किदां उम्मीद करदा कि सारे वधिया होवोगे तो मैं भी पूरा वधिया जी शुरुआत करदा जी अज आपां अपने नवें ब्लॉग की तो अज के ब्लॉग के मैं तुहानूं एक होर इतिहासिक जिहड़े गुरद्वारा साहब के दर्शन करवाउण जा रहे हैं जी तो यह जिहड़ा गुरद्वारा साहब हैगा वा तहसील खन्ना डिस्ट्रिक्ट लुधियाणा दे विच आ जी तो आपां हुण चलदे आ उस गुरद्वारा साहब आपां नाले दर्शन करदे आ जी तो कहिंदे कि इतिहास मुताबिक इस गुरद्वारा साहब नूं गुरु हरगोबिंद साहब की जिहड़ी चरण छोह प्राप्त आ गुरु हरगोबिंद साहब जदों ग्वालियर के किले तो रिहा होकर अमृतसर वाले पासे नूं जा रहे थे उन्होंने कुछ समय इस जगह के उत्ते रुके से जिस जगह पर यह गुरद्वारा साहब सुशोभित आ जी तो उत्थे एक मंजी साहब भी पिया जी जिस मंजी के साहब के उत्ते गुरु हरगोबिंद साहब ने जिहड़ा आराम किया जिस मंजी साहब के उत्ते गुरु हरगोबिंद साहब विराजमान होए सीगे आपां हुण जाके दर्शन करते हैं उस मंजी साहब के भी तो गुरद्वारा साहब के भी नाले मैं थोनू भी दर्शन करवाउंदा जी जेकर थोनू मेरे वल्लों बनाया गया यह ब्लॉग वधिया लग्या तो तुसीं प्लीज़ मेरे चैनल नूं लाइक कर दिओ शेयर कर दिओ तो सबसक्राइब कर दिओ इस वीडियो नूं जिन्ना हो सकिआ उन्ना वध तों वध शेयर कर दिओ तां जो आपां अपने इतिहास दे नाल जुड़े रहिए जी बाकी जिहड़े इतिहास की हैगी मैं थोनों उत्थे जाके सारा साझा करदा जी कि गुरद्वारा साहब कदों बनिया ये मंजी साहब किवें जिहड़ी हैगी है प्रगट होई सीगी ये सारा इतिहास आपां उत्थे जाके शेयर करदे जी थोड़े नाल हाँ जी भाई जी जिस गुरद्वारा साहब बारे आप गल करते सी आपा उस गुरद्वारा साहब पहुँच गए जी अज सामने थोड़ा दिखाई दे रहा जी यही गुरद्वारा साहब आ जिथे गुरु हरगोबिंद साहब की जी चरण छोह प्राप्त आ जी तो यह गुरद्वारा साहब जो है जी लुधियाणा तो जिहड़ा दिल्ली हाईवे आ उस हाईवे के उत्ते हैगा जी तो यह तहसील खन्ना डिस्ट्रिक्ट लुधियाणा के ही पैंदा जी तो हुण आपां अंदर चलते हैं अंदर जाके गुरद्वारा साहब दर्शन करते जी तो जिस तरह ही आप गुरद्वारा साहब एंटर होंगे जी सब तो पहला जी है द्योड़ी साहब बने हुए जी तो इनू क्रॉस करके आप दरबार साहब वाले पास जाने जो आप गुरद्वारा साहब च एंटर कर जाते हैं जी राइट हैंड साइड पर जिस तरह गुरद्वारा साहब देखे कि बहुत बड़ी जी पार्किंग जी इतने बनाई गई है जी इस गुरद्वारा साहब के जोड़े बहुत ही जोड़े बड़े बड़े जोड़े समागम जोड़े होंगे रेंगे ने उस करके फिर उस मद्देनज़र रखते हुए जिहड़ी पार्किंग का जिहड़ा प्रबंध आ वह भी गुरद्वारा साहब की कमेटी वालों किया गया आ जिहड़ा रास्ता जी ये सीधा दरबार साहब नूं जांदा जी वह सामने थोनों दिखाई दे रहा होना जी सामने दो निशान साहब जिहड़े ने सुशोभित ने जी तो वह दो निशान साहब झूल रहे ने आपां हुण अंदर चलते हैं दरबार साहब वाले पासे तो नाले मैं थोड़े नाल सारा इतिहास साझा करदा जिमें कि मैं थोड़ा पहला दस्या कि इस गुरद्वारा साहब नूं इस जगह नूं भी गुरु हरगोबिंद साहब जी जिहड़ी चरण छोह प्राप्त आ ते बाकी जिहड़ा पूरा इतिहास हैगा वो आपां अगे जाके सारा संखेप दे विच जिहड़ा हैगा आपां शेयर करते जी तुहाडे नाल जिस तरह ही आपां इत्थे तक पहुँचदे गुरद्वारा साहब दे कोल पहुँचदे आ सब तो पहला ठंडे पानी की जिहड़ी सेवा वा वह गुरद्वारा साहब की कमेटी वालों की गई है इत्थे अपनी संगत पहला जल छकदे आ ते उस तो बाद अंदर महाराज के दर्शन करते जी इस साइड पर कुछ जड़िया जरूरी बेनती हैगी गुरद्वारा साहब की कमेटी वालों की गई है जी जिदे दरबार साहब अंदर कैपरी पाने तो मना है जी दरबार साहब अंदर टोपी निकर पा के ना जाओ जी दरबार साहब अंदर सादे कपड़े पा के जाओ जी गुरद्वारा साहब के हदूद अंदर नशा करके जाना सख्त मना जी गुरद्वारा साहब अंदर सिर ढक के जाओ जी तो दरबार साहब मोबाइल फोन जोड़े बंद रखो जी ये सारिया जिहड़ियां जरूरी बेनती हैगियां ने यह साध संगत जिन्नी भी इत्थे संगत आउंदी है उसनूं अपील की जाती जी कमेटी वालों कि इन्हां सारियां गल्लां दा ध्यान इत्थे रख्या जावे इस साइड दे उत्ते गुरद्वारा साहब दे जिस तरह हर गुरद्वारा साहब की परंपरा ही हुंदी है ते अपने जोड़ा घर इधर बनिया होया इत्थे आपां अपने जोड़े जिहड़े जमा करवा के दरबार साहब जाके दर्शन कर सकदे हां जी जिस तरह आपां दरबार साहब वाले पासे जांदे हां उस तों पहला खब्बे वाले पासे जिहड़ा इस गुरद्वारा साहब का जिहड़ा पूरा इतिहास जिहड़ा लिखा होया तुसीं इस चीज़ नूं पॉज करके पढ़ सकदे हो जी
बाकी का जोड़ा इतिहास है मैं अगे जाके संपूर्ण थोड़ा जोड़ा इस इतिहास के न पूरी सज पावे जी। आप हूँ आप चल रहे दरबार साहब वाले पास तो दरबार साहब के दर्शन करते महाराज के ना मैं थोड़ा दर्शन करवा। हाँ जी, जिस तरह कि मैं थोड़ा पहले दस ही चुका जी कि इस गुरद्वारा साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी जी चरण छोह प्राप्त है जी। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इतने कुछ समा आराम किया, जिस मंजी से उन्होंने आराम किया इस गुरद्वारा साहब वो मंजी साहब भी जोड़ा जी वो रख्या गया भोरा साहब हूँ। आप अंदर चलेंगे भोरा साहब के भी दर्शन करेंगे जी। हाँ जी, तो जिहड़ा ये रास्ता जी ये रास्ता नीचे भोरा साहब वाले पासे जा रहा है जी। उस भोरा साहब बारे जिस बारे मैं पहले तुहानू दस चुका जिथे वो मंजी साहब जिहड़े सुशोभित ने जी, जिथे गुरु हरगोबिंद साहब जी किसी टाइम विराजमान होए सी वह मंजी साहब नू इत्थे भोरा साहब दे विच रख्या गया जी। तो हुण वह मंजी साहब दे आपां दर्शन करदे आं, नाले मैं तुहानू दर्शन करवाउंदा जी। हाँ जी, आओ मंजी साहिब आ जी जिहदे ते गुरु हरगोबिंद साहब जी विराजमान हुंदे सीगे, ते इहनू इत्थे गुरद्वारा साहब दे भोरा साहब दे विच रख्या गया जी। ते इत्थे महाराज दा प्रकाश जिहड़ा वा कीता जांदा जी, तुसीं दर्शन कर सकदे हो जी। इह उही मंजी साहब आ जी जदों गुरु हरगोबिंद साहब इस दे उत्ते विराजमान होए सीगे, ते 1953 दे विच जदों भाई हरभजन सिंह अपना जिहड़ा वा खेत बाह रहे सीगे, ते उहनां दा जिहड़ा हल दा फाला सीगा उह इसे मंजी साहब दे विच आके बार बार टकरा रहा सीगा। तो फिर जो समूह संगत दे नाल विचार वटांदरा होया तो उस तो बाद जो पूरा इतिहास खोलिया गया तो फिर यह पता लग्या कि यह मंजी साहब गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह दी आ जिहते गुरु हरगोबिंद साहब किसी समय विराजमान होए सीगे। तुसीं दर्शन कर सकदे हो जी। हाँ जी, तो हुण आपां ने गुरद्वारा साहब के दर्शन कर ले सके जी, तो नाले मैं तुहानू भी दर्शन कराते। तो हुण आपां जा रहे हैं जी सरोवर वाली साइड पर, तो हुण आपां सरोवर के भी दर्शन करते हैं उस पवित्र सरोवर के भी जो इस गुरद्वारा साहब के उपस्थित है जी। आपां तुहानू भी दर्शन कराने जी, चलते जी हुण आपां सरोवर साहब वाली साइड। हाँ जी, इस साइड पर दरबार साहब आ जी, तो दरबार साहब के बिल्कुल बैक साइड के उत्ते ही जिहड़ा सरोवर साहब बनाया गया जी, तुसीं दर्शन कर सकते हो। हुण आपां सरोवर साहब वाली साइड पर आए सीगे। जिस तरह कि अपने हर गुरद्वारा साहब के ज़्यादातर जिहड़ा सरोवर साहब बनाया जाता जी, उस तरह इस गुरद्वारा साहब के भी जिहड़ा पवित्र सरोवर बनाया हुआ जी। हाँ जी भाई जी, तो आपने गुरद्वारा साहब के दर्शन कर ले जी, तो गुरद्वारा साहब के दर्शन करने तो बाद हूँ आप बाहर आ गए थे, थोड़ा सरोवर साहब के दर्शन कराते थे। तो जेकर हूँ आप गल करिए इस गुरद्वारा साहब के इतिहास में लैके, तो इस गुरद्वारा साहब का जोड़ा इतिहास है वो गुरु हरगोबिंद साहब जी के जुड़िया जाता जी। कहा जाता कि इस गुरद्वारा साहब में गुरु हरगोबिंद साहब जी चरण छोह प्राप्त आ जी। तो जो गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर के किले तो रिहा होकर अमृतसर वाले पास जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ समय के लिए इतने आराम किया, पर जो गुरु हरगोबिंद साहब चले गए तो उस तो बाद इतने गुरद्वारा साहब जो संस्थापित नहीं किया गया। यह गुरद्वारा साहब जरा 1953 सुशोभित किया गया जी। 1953 जी इस गुरद्वारा साहब जरा बनाया गया सर पिछे इदा होया कि 1953 भाई हरभजन सिंह अपने सीरी खेत आ वाह रहे थे, उन्होंने जोड़ा हल का फाला से बार बार किसी चीज़ के जाके अटक रहा है, तो जदों बार बार अटकन तो बाद उन्होंने उत्थे खुदाई की, तो उतों जी है ये मंजी साहब जोड़ा है वा वह प्रगट होया जी, तो वह उतों निकलिया। ठीक है जी, तो फिर उस तो बाद जो उन्होंने घर जाके इस गल बारे सारे अपने पिंड के वासी जोड़े भी मोहतवर बंदे से फिर जिन्होंने इतिहास बारे जानकारी सी उन्होंने गलबात की, तो उतों फिर सारा इतिहास पिछे फरोलिया गया, तो फिर उन्होंने पता लग्या कि इस गुरद्वारा साहब के इस जगह के उत्ते जोड़े गुरु हरगोबिंद साहब जोड़े आए थे, तो ये उही मंजी हैगी जिथे गुरु हरगोबिंद साहब जोड़े विराजमान होए थे। इस करके फिर गुरद्वारा साहब का नाम जोड़ा है मंजी साहब रख दिता गया। तो हुण आपां ने जिहड़ी उस मंजी साहब दे तुहानूं दर्शन करा दित्ते ने, उस मंजी नूं गुरद्वारा साहब दे जिहड़े भोरा साहब विच रख्या गया, तो उत्थे महाराज दा प्रकाश भी कीता जांदा जी, उहदे सारे मैं तुहानूं दर्शन दे विच पहलां करवा चुका जी। तो हुण आपां चलदे जी अगे, तो बाकी अगे जाके जिहड़े गुरद्वारा साहब दे लंगर हाल हैगा उस साहब दे तुहानूं दर्शन करवाउंदा जी, तो होर गुरद्वारा साहब दे विच कि चीज़ां हैगियां उहनां सब दे मैं तुहानूं दर्शन करवाउंदा जी।
हाँ जी, तो इस गुरद्वारा साहब एक गुरमति लिटरेचर हाउस भी बनाया गया जी। ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो धर्म प्रचार कमेटी है अमृतसर वालों बनाया गया जी। तो इतने अपने इतिहास में लैके अपने धर्म में लैके जिहड़ियां भी हैगियां ने धार्मिक जिहड़ियां किताबां हैगियां ने सारियां इतने मिलदियां ने जी। तो तुसीं इह देख सकते हो। तो जेकर तुहानूं किसी भी तरह की कोई पुस्तक या किताब जिहड़ी चाहीदी होवे तां तुसीं इत्थों आ के लै सकदे हो। हाँ जी, तो इस साइड पर जिहड़ा गुरुद्वारा साहब का जिहड़ा लंगर घर हैगा जी, लंगर हाल आ जी। जो 24 घंटे इत्थे लंगर संगत दे लई बनाया जाता तो संगत ने छकाया जाता जी। तुसी दर्शन कर सकते जी लंगर हाल दे। ये अपने गुरद्वारा साहब अपने सिख इतिहास दे विच ही है जी। अपना पहला पंगत ते फिर संगत ते उसे नूं मुख रखते हुए ये लंगर हाल जिहड़ा इस गुरद्वारा साहब विच बनाया होया जी। इस साइड के गुरद्वारा साहब के एक बहुत ही सोहनी तो जी साफ सुथरी जी पार्क आ वह भी बनाई गई है। तो इतने जिदे जेकर कोई समागम हो जोड़ा प्रबंध इतने किया जाता जी। हाँ जी भाई जी, तो आप गुरद्वारा साहब जाया जी, गुरद्वारा साहब आप दर्शन कर ले ते नाले मैं थोनों भी दर्शन कराते। तो हूँ आप चलते जी वापस घर न। इतों का जो संपूर्ण इतिहास है मैं थोड़े न साझा कर ही लिया, पर मैं चाहता सगा कि जो इतों के कथावाचक ने उन्होंने आप गलबात करके मैं जो इतिहास थोड़े न साझा कराव, पर वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा चुके थे। चलो कोई गल जी, फिर जो भी आप अगली बार आने तो आप उन्होंने जरूर गलबात करा तो मैं जो इतिहास आ दोबारा तो थोड़े न पूरा साझा करवाऊंगा जी। तो जेकर थोड़ा मेरे वालों बनाई गई जी वीडियो आ वधिया लगी तो चैनल में लाइक कर दौ, शेयर कर दौ, सबसक्राइब कर दौ। हम आप मिलते जी अगली बार एक नवी वीडियो लैके आने टाइम लिए। सत श्री अकाल जी।